नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त मनाली के बस स्टैंड पे और ये है बस और मैं जा रहा हूँ नगर। ये है मनाली का जो है बस स्टैंड और ये जो बस है इसका कुछ चार्ज है 50 रुपीज़ है यहाँ से जाने का और 50 रुपीज़ से वापस वहाँ से आने का। तो आपको है ना, आप ये भी मिलेगी, आपको जो है प्राइवेट भी बसेस मिल जाएगी, रेट सेम है, उसका भी 50 रुपीज़ ही है। तो अगर सपोज़ अगर आपको ये बस ना मिल पाए तो आप प्राइवेट भी ले सकते हो। और मनाली से जो है नगर का जो दूरी है वो कुछ है 20 किलोमीटर्स की। और अगर कुल्लू से अगर आप जाओगे तो कुल्लू से उसकी कुछ दूरी है 22 किलोमीटर्स की। तो आइए हम चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं नगर और यहाँ से भी है ना कुछ 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर चढ़ने का। तो यदि अगर आप अपने कार से आए तो बेस्ट है, बाकी यहाँ पे आपको देखो कार पार्किंग भी मिल जाएगी, बाकी आपको नीचे से है ना जो है रिक्शा भी मिल जाएगी, ट्राई करना। बाकी मैं तो ट्रैक करके आया हूँ। और ये देखिए सामने जो है ना, एकदम आप सामने वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हो यहाँ से और यहाँ पे भी कर सकते हो। और ये है नगर कैसल और यहाँ की है टिकट है, यहाँ पे टिकट है कुछ 50 रुपीज़, पहले 30 रुपीज़ होती थी लेकिन अभी 50 रुपीज़ हो गए पर पर्सन। तो आइए अंदर चलते हैं। इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये हेरिटेज होटल है और तो आप यहाँ पे रह भी सकते हो, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है इसके अंदर। तो इसीलिए अगर आपको रूम लेना है, कुछ स्टे करना है तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। सारे डिलक्स रूम है यहाँ पे, तो थोड़ा महंगा रहेगा, तो थोड़ा क्या ज़्यादा ही महंगा रहेगा क्योंकि सारे के सारे जो है ना वो डिलक्स रूम है और मोस्टली जो रूम्स है वो सारे जो है वो अभी होटल में ही कन्वर्ट कर दिए गए और यहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। आइए अंदर चलते हैं, आइए। तो दोस्तों, ये जो कैसल है ना, इसे राजा शिव सिंह ने बनवाया था 1460 AD में। और ये जो तो दोस्तों, ये जो कैसल है कम से कम 500 साल पुराना है, 500 साल पुराना ये। लेकिन फिर भी देखिए, आपको ऐसा लगेगा कितना एकदम नया नया ऐसा लग रहा है। तो सोचिए कितना मेहनत से इसे बनाया गया होगा और कितना ये मजबूत होगा कि आज 500 साल से भी ज़्यादा ये आपके सामने है, हम यहाँ पर आ सकते हैं। और ये देखिए लकड़ी से बनाया गया, वुड से बनाया गया, सारी वुड की कार्विंग है यहाँ पे। और वुड और जो ये स्टोन्स है उसको मिक्स करके यानी उसका दोनों यूज़ करके बनाया है। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ से ऊपर क्या है देखते हैं। और देखिए, अच्छा यहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट है, वो भी मैं आपको शो करूँगा। और ये देखिए है ना कितना खूबसूरत है, ये देखिए यहाँ से फोटोग्राफी कितना मस्त होगी। और ये देखिए सामने है ना आपको जो है वो माउंटेंस भी दिखते हुए, एकदम पूरा फुल व्यू और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे लोग आते हैं, कोई कोई लोग को नहीं पसंद आता, कोई कोई लोग को पसंद आता है, तो देखिए वो तो आपके चॉइस के ऊपर है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन हाँ, एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा, फ़ोटो आपकी बहुत अच्छी आएगी। आपका वीडियो अगर आपको लेना है तो ज़रूर यहाँ पे आइए, और अच्छी जगह है ये और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं यहाँ पे, और जो फॉरेनर से वो यहाँ पे रहते भी हैं क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ के जो रूम्स है वो बहुत महंगे हैं तो उनको अफोर्ड होता है। और ये देखिए यहाँ से ये व्यू देखिए, देखिए है ना, यहाँ से आपको ब्यास रिवर का व्यू मिलेगा। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखो ब्यास, ब्यास नदी। और चले हम आइए हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ऊपर जो ऊपर के जो फ्लोर के ऊपर देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा मिलता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
है ना। और ये देखिए ये सर डिलक्स रूम है, तो मैंने कहा ना कि जो सारे जो रूम्स हैं वो अभी जो है वो होटल में ही कन्वर्ट कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वह उसको ये हैंड ओवर कर दिया गया था और 1978 में, और फिर 1978 से अभी ये होटल की तरह इसे यूज़ होता है। और ये देखिए ये सारे जो है ना जो ये देखिए सब डिलक्स रूम्स हैं, देखिए ये देखिए व्यू देखिए है ना, तो इतना अच्छा है कि चलो यहाँ पे घूमने देते हैं, तो वो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी होटल बन गया तो अगर इसे अगर एकदम बंद कर दिया होता नॉर्मल तो प्रॉब्लम हो जाता था, नॉर्मल टूरिस्ट के लिए जो यहाँ पे रहना नहीं चाहते सिर्फ घूमने आते, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे है ना इसे नॉर्मल टूरिस्ट के लिए भी जो है यहाँ पे सिर्फ घूमने आते उसके लिए ये ओपन है। तो ये देखिए ये देखिए है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे आके, और मुझे आना ही था, मेरा एक मेरा ट्रैवल इसमें था ही। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट्स का तो है, 20 सिर्फ 20 किलोमीटर्स तो है, और रेट भी ज़्यादा कुछ है नहीं। बस का 50 रुपीज़ है, उसका 100 रुपीज़ होता है, और यहाँ का 50 रुपीज़ यानी 150 रुपीज़। और बाकी ये देखिए ये जो सामने ने एक मंदिर है, अभी तो बंद है तो, लेकिन हम लोग अंदर जाके भी दर्शन करते हैं, तो यहाँ पे शूज़ निकालने पड़ेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं जो मेरा शूज़ पहले निकाल लेता हूँ। तो आए दोस्तों ये देखिए है ना कितना खूबसूरत सब बनाया है, और यकीन मानिए आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको पछतावा नहीं होगा, आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत शांत प्लेस है एकदम, यानी शांत शांत सा लग रहा है तो अच्छा लगता है। ज़्यादा बता ना चिक चिक ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है, और अब गाड़ियों की ज़्यादा कुछ पीप पीप ज़्यादा नहीं होती है, कम हो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं है। जो बाहर जो कार्स खड़ी है वो उसके थोड़े वॉइस अगर आपको आ रहे होगे अंदर, तो ये देखिए और ये देखिए है ना, ज़्यादा करके जो है रूम्स मैंने कहा ना कि सारे सब बंद ही है, और जो है वो सब अभी सब होटल है, तो अब देखते हैं। और ये देखिए लकड़ा ही यूज़ किया है, और ये देखिए है ना नीचे से लेके आप यहाँ पे नीचे से लेके यहाँ पे ऊपर जो सीलिंग तक सब कुछ वुड है। ये देखिए यहाँ से देखिए ये देखिए है ना, तो काफ़ी अच्छी जगह, मुझे तो काफ़ी अच्छी जगह लगी, मुझे तो काफ़ी अच्छा प्लेस लगा ये। तो आप ज़रूर आइएगा, और मैं आपको ये भी बता दिया कैसे आना है, मनाली से डायरेक्ट बस निकलती है जो मॉर्निंग में ही रहती है मोस्टली, तो कुछ ये 9 बजे की बस थी, लेकिन इनकेस अगर वो बस मिस हो जाती है तो उसके बाद भी नगर की काफ़ी बसेस है और प्राइवेट बसेस भी है, रेट सेम ही है 50-50 रुपये से मैंने पूछा था, तो ये मुझे ठीक लगी तो फिर मैं इसी बस में आ गया था, जिसमें मैं आया वो बस मुझे ठीक लगी तो मैं उसी में आया। और ये देखिए और काफ़ी लोग आए हैं, और हाँ फेमस जगह है ये तो इसीलिए लोग आएंगे। और यहाँ से सोच इतना आपके जो फोटोग्राफी कितनी अच्छी होगी, आपकी जो वीडियोग्राफी कितनी अच्छी होगी है ना। ये देखिए क्या व्यू है यहाँ से, और इसे ऐसा बनाया गया है कि अगर सपोज बाहर ठंडी रहती है तो इसके अंदर गर्मी लगती है, अंदर गर्मी रहेगी, और सपोज़ अगर बाहर गर्मी है तो इसके अंदर है ना वो ठंडक रहेगी। तो ये देखिए ये कुछ हॉल रूम है यहाँ पे सब बैठने वगैरह के लिए, ये देखिए और ये देखिए वो देखिए, और भी जो अच्छी अच्छी जगह है सब उसे जो कन्वर्ट कर दिया गया है और वहाँ पे जाने नहीं देते, यानी कन्वर्ट कर दिया यानी होटल में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्शन है। और ये देखिए बाकी ये तो है ही आपके सामने जो आप देख सकते हो, तो यहाँ से तो आप समझ सकते हो कि और भी क्या क्या उन रूम्स हैं जो डिलक्स रूम कैसे हो गए। अब ये देखिए आइए नीचे चलते हैं, नीचे क्या है देखते हैं ये, और आइए नीचे चलते हैं, यहाँ से हम नीचे उतरते हैं यानी बेसमेंट के अंदर क्या है देखते हैं। नहीं ये शायद बेसमेंट नहीं है, हाँ नहीं मुझे नहीं लग रहा है बेसमेंट है, तो आइए देखते चलो पहले देखते हैं अंदर नीचे है क्या। आइए ये देखिए यहाँ से आप व्यू ले सकते हो है ना, और आइए देखिए ये देखिए अब इतना पुराना जो ये फिर भी ये आज इतना अच्छा लग रहा
है ना, मेंटेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, ये तो काबिले तारीफ़ है कि इसको मेंटेन भी काफ़ी अच्छी तरह से किया है, और सभी जगह पे जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और सिक्योरिटी रीजंस। और आइए नीचे, तो ये है, अच्छा ये एक छोटा सा म्यूज़ियम जैसा बनाया गया है, तो चलो अच्छी बात है हिमाचल कल्चर के बारे में, यानी ये शो कर रहे हैं कि हिमाचली कल्चर कैसा होता है, वो यहाँ से उसे दर्शाया गया, उसे दिखाया गया है, तो अच्छी बात है। और देखिए है ना, अच्छा ये देखिए अच्छा है, सिर्फ इतना ही म्यूज़ियम बना है, और भी कुछ अगर और भी होता एक्स्ट्रा तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप 50 रुपये में इतना घूमने मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और मनाली से काफ़ी पास में है, कुल्लू से भी कुछ 22 किलोमीटर पे है, मनाली से सिर्फ 20 किलोमीटर पे है, और अच्छी जो है वो बस की फ्रिक्वेंसी है, तो आना ज़रूर यहाँ पे एक बार, अगर आप नहीं आए हो तो एक बार तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे, आपको अच्छा ही लगेगा, फोटोग्राफ अच्छी मिलेगी, वीडियो अच्छी मिलेगी। और ये देखिए देखिए, और यहाँ पे भी ये सब रखा हुआ है सारा, तो ये देखिए है ना, सब कलाकारी है, देखिए है ना, जो सब कलाकारी है। और ये देखिए अब ठंडी जब स्नो फॉल होते हैं ना, तो सभी ये पूरा है ना, पूरा जो बर्फ़ की चादर से ढक जाता है, सफ़ेद बर्फ़ की चादर से वो ढक जाता है। और देखिए तभी भी एक वो भी एक अलग व्यू होगा, कभी अगर हम लोग कभी मेरा उस समय आना हुआ तो तभी भी मैं आऊँगा, और वो भी मैं आपको शो करूँगा कि स्नो में कैसा लगता है, स्नोफॉल में कैसा लगता है। और ये देखिए देखिए, मुझे तो पसंद आया, मैं वही कहूँ मुझे तो पसंद आया, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए है ना, ऐसा लगता है कि इसे ना कुछ हाल ही में, कुछ सालों पहले ही बनाया गया हो, और ये ऊपर सोलर पैनल भी लगाए हैं अभी, यानी अभी सोलर पैनल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सोलर पैनल भी जो है वो ऊपर लगा दिए गए हैं, तो एक अच्छी बात है। और यहाँ से अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो कुछ आप यहाँ से कुछ ख़रीद भी सकते हो। बाकी ये देखिए, मैं वापस यहीं पे आ गया, और ये व्यू मुझे बहुत पसंद आया, पता नहीं ये व्यू मुझे बहुत पसंद आया, ये आप वीडियो में भी देखो, मैंने फ़ोटो लिया तो भी बहुत अच्छा है। और आइए थोड़ा ऊपर भी चलते हैं, ज़रा देखते हैं रेस्टोरेंट कैसा है, तो ये देखिए आइए। और ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, या तो आप बाहर भी आप बैठ सकते हो, मैं आपको शो करता हूँ। और ये देखिए ये हम वहाँ सामने थे, और उसके एग्जिट यहाँ पे सामने ना, यहाँ पे है रेस्टोरेंट एक छोटा सा, जो यानी अंदर भी बैठ सकते हो अगर आप, और यहाँ पे बैठ के भी अगर आपको अगर खाने का आनंद लेना है तो आप यहाँ पे बैठ के भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि यहीं बैठ के अगर आप खाओगे तो बहुत अच्छा एक अच्छा लगेगा वो, क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा नज़र आता है, देखिए है ना। और अभी इससे और अच्छी क्या चीज़ चाहिए, देखिए यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, ये भी एक रेस्टोरेंट का ही एरिया है, देखिए है ना, एक अलग एक्सपीरियंस। और देखिए पूरा का पूरा है ना वो वुडन से ही बनाया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, थैंक यू।